यूएससीपीए एक बहुत बड़ा डिसीजन। देखिए, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट कई बार जिंदगी में एक बड़ा डिसीजन लेते हैं कि हमें इस इंटरनेशनल प्रोफेशन को पास करना है, ज्वाइन नहीं करना है कि सिर्फ हमने एडमिशन ले लिया, फीस भर दी और एग्जामिनेशन दे दिया। देखिए, जिंदगी में जब कभी भी आप एक बड़ा डिसीजन लेते हैं तो आपको हमेशा रिस्क एनालिसिस कर लेना चाहिए। ये रिस्क असेसमेंट इज अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने रिस्क का सही तरीके से एनालिसिस किया और आप उसके लिए अगर प्री प्लान स्ट्रेटेजी बना लेते हैं तो आप होने वाले लॉसेस से बच सकते हैं। देखिए, यूएससीपीए में ना केवल आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है अराउंड 3 लाख 20,000, साथ में एक बहुत बड़ा ड्रीम। कई बार स्टूडेंट दूसरों को देखकर डिसीजन ले लेते हैं कि हमें भी सीपीए को ज्वाइन कर लेना चाहिए। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है, एक एक पेपर देके हम बहुत आसानी से पास कर लेंगे। ऐसे मिथ डेफिनेटली हैं कि बहुत आसानी से पास कर लेंगे। एक बात मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड का मतलब समझते हैं, या तो आपने सीए कंप्लीट कर लिया हो या आपने सीए की पढ़ाई भी करी हो ना, उसको भी मैं सीए बैकग्राउंड मानता हूं, क्योंकि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो मुझे इंडिया के सीए प्रोफेशन के कंटेंट के डेप्थ का बहुत अच्छे से एनालिसिस। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सीए इंटर पास कर लिया है, फर्स्ट ग्रुप पास कर लिया है, और एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट जब एक बहुत बड़े डिसीजन को दूसरों के बेसिस पर खुद लेने की कोशिश करता है तो उसके सामने क्या रिस्क एक्सपोजर्स आ सकते हैं और कैसे हम इस रिस्क को अवॉइड करके एक सक्सेसफुल प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते। तो आज के इस वीडियो का पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही यही है, रिस्क इन्वॉल्व इन यूएससीपीए एंड व्हाट आर दी सॉल्यूशंस, कैसे हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं, कैसे हम यूएससीपीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्टूडेंट, रिस्क नंबर वन, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, सीपीए की एग्जाम की कॉस्ट, कोचिंग फीस की कॉस्ट, एप्लीकेशन फीस, इवेल्युएशन फीस, सब मिलाकर अराउंड 3,20,000 आपका स्टेक पे होता है। तो अगर आपने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, चाहे आप AKPIS को ज्वाइन करें, अदर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, आप लेक्चर की क्वालिटी देखिए। अगर आपको लेक्चर, एक लेक्चर नहीं, कम से कम 5 to 7-10 लेक्चर भी आप डिमांड कर सकते, लेक्चर की क्वालिटी को देखिए। अगर आपको टीचर का समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आप केवल मार्केटिंग के ट्रैप में आके कि हमारा आसानी से बिग फोर में प्लेसमेंट हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, और बाद में अगर आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो 3-3.5 लाख रुपए वेस्ट भी हो जाएंगे, और जो आप बिग फोर में और जो मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करने का ड्रीम देख रहे हैं वो काफी दूर है। तो पहली चीज, रिस्क मॉनेटरी टर्म में है तो पहले आप ज्वाइन करने से पहले 5-6 लेक्चर देखिए। केवल फार के मत देखिए कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग देख लिया, ऑडिटिंग के भी देखिए, रेगुलेशन के भी देखिए, और अगर आपको लगे कि नहीं, अब हमें टीचर का समझाया हुआ समझ में आ रहा है, और बहुत सारे पुराने वीडियोस डाल दिए, 10-12 साल पुराने किसी के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं और वही डेमो देखकर आप ज्वाइन करते हैं बाद में, क्योंकि आपका हो सकता है बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोचिंग की भी जरूरत नहीं है, सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ना, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एनालिसिस खुद का इतना स्ट्रांग होता है कि उसे किसी टीचर की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पास हो सकता है, बस उसको स्टडी मटेरियल मिल जाए। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड सीए नहीं है तो पहली चीज आपको यह ध्यान रखना है कि हम जिस भी फैकल्टी के लेक्चर देख रहे हैं
क्या वो हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं है, जिसमें क्या हमें सिमुलेशंस समझ में आया कि नहीं आया, क्या बेसिक्स हमारे स्ट्रांग है या नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप इस यूथ मॉनेटरी लॉस को बचाना चाहें। रिस्क नंबर टू, देखिए 18 महीने की वैलिडिटी, जैसे ही आप एक एग्जाम को पास कर लेते हैं, वहां से अगले 18 महीने में आपको बाकी के पार्ट्स भी पास करने। तो सॉफ्टवेयर की भी वैलिडिटी होती है, 18 महीने किसी सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी है, किसी सॉफ्टवेयर की 2 साल की वैलिडिटी। तो पता चले आपका सॉफ्टवेयर एक्सपायर्ड हो जाए या आपके स्कोर लैप्स होने के भी चांसेस हैं अगर आप आपकी स्टडी को सही प्लान नहीं करते। तो 4-4 सब्जेक्ट को पहले तो स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट विथ 2 सब्जेक्ट। और AKPAS इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, पार्ट वाइज सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन। तो अगर आप पार्ट वाइज सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करा लेते हैं तो जहां से आपका एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ वहीं से उसकी वैलिडिटी पीरियड काउंट होता है। तो क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए आपको अपनी स्टडी को सही प्लान करना पड़ेगा। एक प्रॉपर स्टडी प्लान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने एक सही स्टडी प्लान बनाकर स्टडी की तो डेफिनेटली आप इस प्रोफेशन को पास। अगले पॉइंट के मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप अपनी स्टडी से काफी लंबे समय से आउट ऑफ टच हो सकते हैं। किसी ने 5 साल पहले 10 साल पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर अचानक आप एक बिग प्रोफेशन CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट को ज्वाइन करते हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही प्रोफेशन है। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट मतलब US का CA। तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसमें कि जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट, डेट एडजस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, मतलब यू कैन इंटरप्रिटेट वेरी वेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, क्या वर्किंग कैपिटल होती है बैलेंस शीट में, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड इक्विटी, लॉट्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में हो सकता है कि कभी आपने ऑडिट किया ही ना हो, अब आपके सामने ऑडिट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क, ऑडिट ओपिनियन, कैसे ऑडिट प्रोग्राम बनता है, तो आपको बेस पे बहुत काम करना पड़ेगा। इसीलिए AKPAS इंस्टीट्यूट आपको फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले बेसिक फंडामेंटल की क्लासेस प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ऑडिट मैराथन हमारी एक सीरीज है, जिसमें कैसे आप अच्छे से ऑडिट को समझ सकें। देखिए CP की एग्जाम मगअप करने की नहीं है, क्रैमिंग करने की नहीं है, एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो एक वर्किंग प्रोफेशनल जो अपनी स्टडी से आउट ऑफ टच है, जिसकी संडे सैटरडे छुट्टी होती है, तो आप अपनी स्टडी को कैसे प्लान आउट करें, एक सही स्टडी प्लान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां फैकल्टी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए हम एक स्टूडेंट का स्टडी प्लान बनाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, और एग्जाम देने से पहले मेरा पूरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा। मुझे पता है 50,000 रुपये एक पेपर की कॉस्ट, 50,000 इज वन पेपर कॉस्ट, और बहुत बड़ा ड्रीम। तो कैसे आपको कब अपनी एग्जाम को प्लान करना चाहिए, कितनी आपको स्टडी करना चाहिए, और हर टॉपिक वाइज आपकी रिपोर्ट हमारे ग्लैम सॉफ्टवेयर में एक स्मार्ट एडेप्टिव टेक्नोलॉजी से पूरी रिपोर्ट जनरेट होकर आती है। उस रिपोर्ट को एनालिसिस करने के बाद, आपके मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद, हम आपको गाइड करते हैं कि आपको अपनी एग्जाम को कब देना चाहिए। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपने फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत डेप्थ में काम करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CPA को पास करना है तो ये 3 बातों को आप डेफिनेटली अपने माइंड में हमेशा रहने दीजिए कि पहली चीज, जब तक आपकी सिमुलेशंस में मास्टरी नहीं आएगी आप CPA नहीं बन पाएंगे। बच्चे बहुत बड़े बड़े सिमुलेशंस को देख के कई बार थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, तो रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज एग्जाम में आप आउटप्लेड हो जाएंगे अगर आपसे सिमुलेशंस नहीं बने।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते समय आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना होगा कि क्या 1 मिनट और 30 सेकंड में आप एक एमसीक्यू को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लैंग्वेज इश्यूज आ सकते हैं आपको, क्योंकि यहां पे यूएस गैप आपको पढ़ना है, तो यूएस गैप को किस तरीके से इंटरप्रिटेशन स्किल आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी। इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हर स्टूडेंट के डाउट्स को मैं पर्सनली टेक केयर करता हूं। जब मुझे स्टूडेंट डाउट्स भेजते हैं तो मैं उसका प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डेड भी करता हूं, उनको भेजता हूं, ताकि उन्हें पता चले कि सर किस तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट करते हैं। और जब तक आपका हर यूनिट के अंदर परफॉर्मेंस 85-90% नहीं आ जाए, 90% क्वेश्चन आपके सही नहीं हो जाए, आप यूएससीपी के एग्जाम को देने के लिए रेडी नहीं है। जब आप 90% हर यूनिट में और एक नहीं कम से कम 2 मॉक टेस्ट देकर आप देखिए कि क्या आप इन मॉक टेस्ट पेपर में एक्चुअल में पास हो रहे हैं, तब जाके आपको आपका एनटीएस बुक करना चाहिए, नोटिस टू स्केड्यूल। अगर इन सारी चीजों को आपने इग्नोर किया, आपको सही गाइडेंस नहीं मिला, आप सीपीए नहीं बन पाएंगे। और लास्ट एक बात और जाते जाते कह रहा हूं, कनेक्टिविटी ऑफ दी फैकल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम हर स्टूडेंट के साथ में मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनको प्रॉपर मेल करते हैं कि देखिए आपका ये प्रोग्रेस चल रही है। जब तक आप 75-80 तक रीच नहीं करते, मैं ये कंसीडर नहीं करता हूं कि उस चैप्टर में आपकी मास्टरी। तो गाइस, जब यूज रिस्क हो तो एनालिसिस करना और फिर कोर्स को ज्वाइन करना एक सही पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नॉलेज शेयर करने की कोशिश की। आप हमारे चैनल पर बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट के इंटरव्यूज को सुन सकते हैं, उन्हीं का ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको नॉलेजेबल वीडियोस और इस चैनल के थ्रू बहुत सारे लेक्चर्स के सिमुलेशंस के वीडियोस भी टाइम टू टाइम शेयर किए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।